कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहां एक मॉन्क कुछ चट्टानों के ऊपर उड़ रहा था। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी, और आज ये मॉन्क उन्हीं में से एक देवता को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ एक युद्ध में हुई थी। कुछ ही देर में चेन नाम का एक लड़का जमीन से बाहर निकला, और वो उसी देवता का इंसानी रूप था। पर याददाश्त मिटने की वजह से चेन को कुछ भी याद नहीं था। पर तभी अचानक उस मॉन्क ने चेन पर हमला करते हुए उसे बताया कि आने वाले समय में उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा, जिसके बाद उस मॉन्क ने चेन को धरती पर धक्का दे दिया। पर धरती पर वो सीधा जाकर एक तालाब में गिरा, जहां जुयू नाम की एक राजकुमारी पहले से ही नहा रही थी। और इस हालत में एक अनजान आदमी को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई, और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। उधर नालन नाम की एक प्रिजन गार्ड शाही जेल के कैदी ज़ेलोंग की मरहम पट्टी कर रही थी, जिस दौरान ज़ेलोंग काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में जेल के कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी। इधर जब नालन अपने काम में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ बाकी सारे कैदी इशारों में एक प्लान की शुरुआत करने की तैयारी में थे। असल में उन सभी कैदियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन सभी को सेनापति शीमा ने सिर्फ इसीलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थी। आसपास का जायजा करने के बाद कैदियों ने छुपाए हुए हथियार निकालकर सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये देखते ही नालन और ज़ेलोंग ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया, जिसके बाद वो लोग एक खास जगह पर गए जहां दीवारों पर कुछ कागज चिपके हुए थे। पर जैसे ही ज़ेलोंग ने उनमें से एक कागज को छुआ, तो उसके हाथ में अलग सी जादुई शक्तियां आ गई। असल में ये कागज लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नालन ने ज़ेलोंग का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया, जिसके बाद उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसी वक्त सभी कैदियों ने नालन को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद नालन ने अकेले ही उन सभी कैदियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसकी साथी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। पर कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही शीमा वहां पहुंच गया, और उसने कैदियों की जादुई शक्तियां छीनकर उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया। बाकी सबके साथ साथ ज़ेलोंग को भी वापस जेल में भेज दिया गया। उधर राजकुमारी जुयू अपने साथियों के साथ चेन को महल ले जा रही थी, पर रास्ते में अचानक से कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया, और ये लुटेरे जुयू के पास मौजूद एक जादुई धनुष को लेने आए थे। राजकुमारी को बचाने के लिए चेन ने भी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया, पर हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो एक के बाद एक सभी हमलावरों को धूल चटा रहा था। और जैसे ही वो हथकड़ी से आजाद हुआ, तो अचानक से वही धनुष अपने आप उसके हाथ में आ गया, जिसके बाद उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। पर फिलहाल चेन के शरीर को जादुई शक्तियां झेलने की आदत नहीं थी, और इसीलिए वो जमीन पर ही बेहोश हो गया। उस शाम जब राजकुमारी जुयू चेन को लेकर महल में पहुंची, तो वहां नालन उसके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थी, जिसने जुयू को देखते ही उसके इतने दिनों तक महल से दूर रहने की वजह पूछी, जिस पर जुयू ने नालन को जादुई धनुष के बारे में बताया। असल में उन्हें ये धनुष राजा की तबीयत को ठीक करने के लिए चाहिए था। उसी वक्त चेन को भी वापस होश आ गया, और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ी, तो उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका यू शिन की याद आ गई, जिसकी शक्ल हूबहू नालन से मिलती थी। वो लगभग 10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस वक्त चेन भी युद्ध में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था। इधर नालन और जुयू अभी बात ही कर रहे थे, पर वहीं चेन उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वो जादुई धनुष रखा हुआ था। और जैसे ही जुयू को उसकी गुमशुदगी का पता चला, तो उसने तुरंत ही सिपाहियों को चेन को ढूंढकर जेल में बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल चेन उस जादुई धनुष की शक्तियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार वो धनुष उसे खींच कर अपने पास ले आता, और इसी चीज का असर राजा की सेहत पर भी पड़ रहा था। जैसे ही चेन उस धनुष को पकड़ता, तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती, और जैसे ही धनुष को छोड़ता, तो राजा एक बार फिर से बीमार पड़ जाता। इसके बाद जुयू ने वो धनुष उठाकर राजा के हाथ में पकड़ा दिया, पर वो अपने आप उड़कर वापस चेन के हाथ में चला गया, जो ठीक राजा के पीछे ही छुपा हुआ था। और जैसे ही राजा को उसके और धनुष के इस अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत ही चेन को दवा खाने में आराम करने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति शीमा का बेटा लिंगोंग उससे मिलने के लिए आया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुयू पर जो हमला करवाया गया था, उसके पीछे शीमा और उसके बेटे का ही हाथ था। इस हमले के जरिए वो
कुयू से वो जादुई धनुष छीनना चाहते थे। लिंगोंग इस काम में तो नाकामयाब हो गया था, पर फिर उसने शीमा को चेन और जादुई धनुष के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि कैसे चेन ने अकेले ही उस धनुष का इस्तेमाल करके सभी हमलावरों को मार गिराया था। ये सुनते ही शीमा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो चेन का इस्तेमाल राजा के खिलाफ चाल बिछाने में करना चाहता था। उधर चेन को सपने में अपने स्वर्ग की जिंदगी दिखाई दे रही थी, जहां वो जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से लड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वो जादुई धनुष असल में चेन का ही हथियार था और इसीलिए वो बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नींद से जागने के बाद वो सीधा नालन के पास पहुंच गया और उसने नालन से पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका यू शिन थी। इस बात से इनकार करते हुए नालन ने कहा कि नहीं, तुम्हें धोखा हो रहा है शायद। उनकी बातचीत के बीच ही लिंगोंग वहां पहुंच गया, जिसकी आवाज सुनते ही नालन ने चेन को छुपने को कहा। असल में सेनापति शीमा के आदेश पर लिंगोंग और नालन की शादी होने वाली थी, और अगर लिंगोंग को चेन के बारे में पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। असल में नालन भी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी शीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लिंगोंग के वहां से जाते ही चेन ने उसे बताया कि जुयू पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था, और वो ये सब लिंगोंग की आवाज और जूते देखकर कह रहा था, जो कि हूबहू हमलावरों जैसे थे। कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ हमलावर राजा पर हमला करने के लिए दरबार में पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर शीमा ने वहां आकर राजा को बचा लिया, जिसके बाद उसने राजा से चेन के बारे में पूछा, पर राजा को उसकी नियत पर कोई खास भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने शीमा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। और अपने पिता के इस फैसले का साथ देते हुए जुयू ने शीमा को बताया कि असल में चेन को तो पहले ही मौत की सजा दे दी गई है, तो उसके बारे में जान के करोगे भी क्या। शीमा जानता था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए उसने चेन का पता लगाने के लिए शाम को नालन को अपने पास बुलाया, पर उसने भी चेन को बचाने के लिए शीमा को झूठ बोल दिया, जिसके बाद शीमा उसे शादी के लिए तैयार रहने को कहकर वहां से चला गया। अंदर ही अंदर नालन इस शादी से इनकार करना चाहती थी, पर उसके अंदर शीमा के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उधर राजकुमारी जुयू ने चुपके से चेन को पकड़कर जेल में भेज दिया, लेकिन वहां भी चेन खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने जुयू को ही अपना कैदी बना लिया। और ये सब देखकर सिपाहियों ने सेनापति शीमा को तुरंत ही इसकी खबर दी। इधर शीमा को तो इसी मौके का इंतजार था, और वो खबर मिलते ही तुरंत जेल में पहुंच गया, जिसके बाद उसने चेन को एक खास जेल में बंद करने का आदेश दिया, जहां से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उसी जेल में चेन की मुलाकात ज़ेलोंग से हुई, जिसने तुरंत ही उसे पहचान लिया। असल में राक्षसों और देवताओं के बीच हुई लड़ाई में ज़ेलोंग भी स्वर्ग की तरफ से लड़ा था, और इसीलिए वो चेन की सच्चाई को अच्छे से जानता था। कुछ दिनों बाद नालन और लिंगोंग की शादी तय कर दी गई, पर नालन अपनी शादी वाले दिन भी लगातार चेन की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी, और इसीलिए उसने शीमा को बिना बताए चेन और ज़ेलोंग को जेल से भगाने का फैसला किया। जेल से निकलने के बाद चेन लगातार नालन के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था, जिस पर ज़ेलोंग ने उसे बताया कि आज उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही चेन ने वापस महल में जाकर नालन से मिलने का फैसला किया, और जैसे ही वो महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां शादी पहले से ही शुरू हो गई थी, और इसीलिए उसने शादी रुकवाने के लिए वहां पर हंगामा कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लिंगोंग उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। और एक बराबरी की लड़ाई के बाद आखिरकार चेन ने लिंगोंग को खत्म कर दिया, जिस वजह से वो शादी वहीं पर टूट गई। अगले दिन नालन ने चेन और ज़ेलोंग को सेनापति शीमा की एक खुफिया किताब दिखाई, जिसमें उसने कई सारे राज लिखे हुए थे, और उसी किताब में लिखा था कि शीमा ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्तियां इकट्ठा करके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, और इसीलिए वो अक्सर ऐसे लोगों को बंदी बनाता था जिनके पास जादुई शक्तियां होती थी। उधर शीमा शाही सलाहकार ज्वानजू से मिलने के लिए पहुंचा, और वो चाहता था कि ज्वानजू अपनी शक्तियों से लिंगोंग को वापस से जिंदा कर दे। असल में ज्वानजू के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर जादुई शक्तियां थी, और उसी ने शीमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शक्तियां छीनने को कहा था, पर इस बार शीमा की मदद करने की बजाय ज्वानजू ने उसका कत्ल कर दिया। थोड़ी ही देर बाद चेन, ज़ेलोंग और नालन भी वहीं पहुंच गए, क्योंकि अब उन्हें ज्वानजू के प्लान के बारे में पता चल गया था। असल में ज्वानजू एक पूजा के दौरान सभी शाही लोगों की ताकत छीनने वाला था, और चेन जानता था कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सबकी शक्तियां पाकर वो अमर हो सके। पर उन तीनों ने ठान लिया था कि वो ज्वानजू के इस प्लान को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे, पर ज्वानजू ने अपनी शक्तियों की मदद से बड़ी ही आसानी से उन सभी को हरा दिया। और उसी शाम वो राजा से मिलने के लिए गया, जहां उसने राजा को अगले ही दिन उस पूजा का आयोजन रखने को कहा। उसने झूठ कह दिया कि ये पूजा असल में राजा की बेहतर सेहत के लिए है।
राजा को जादू शक्तियों के बारे में कुछ खास अता पता था नहीं, इसीलिए वो तुरंत ही इस पूजा के लिए मान गया। अगले दिन राजकुमारी जुयु और राजा के साथ सभी शाही खानदान के लोग एक साथ इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए। जहां पूजा शुरू होते ही ज्वानजू ने उन सबकी शक्तियां खींच ली, जिस वजह से वो सभी लोग बेहोश हो गए। पर तभी चेन और ज़ेलोंग भी वहां पहुंच गए और ज्वानजू को रोकने के लिए ज़ेलोंग ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया और उधर चेन भी अपने जादुई धनुष के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से ज्वानजू को हरा दिया और उसकी इस हार के साथ ही राजा और बाकी लोगों को वापस होश आ गया और इसके बाद आखिर में चेन की याददाश्त भी पूरी तरह वापस आ गई।